चंद्रपुर जिले में कोरोना का विस्फोट जारी है। वहीं आज बीते 24 घंटों में 1593 कोरोना के रोग मिले और 23 रुग्णों का दुखद निधन हुआ। और इस प्रकार चंद्रपुर जिले में कोरोना संक्रमित रुग्णों की संख्या बढ़कर 40,647 हो चुकी है, जिसमें से 30,103 रुग्ण कोरोना मुक्त हो चुके हैं। और वहीं वर्तमान में 9,969 रुग्णों पर उपचार शुरू है। जिन रुग्णों की दुखद मृत्यु हुई उसमें वर्रा का एक 50 वर्षीय तथा 55 वर्षीय पुरुष, एक 72 वर्षीय महिला, एक अर्जुना, वर्रा का एक 53 वर्षीय पुरुष, गुरवट तहसील चिमूर का एक 54 वर्षीय पुरुष, चंद्रपुर का एक 70 वर्षीय पुरुष, पाथरी तहसील सावली का एक 65 वर्षीय पुरुष, तलोदी तहसील चंद्रपुर का एक 66 वर्षीय पुरुष, सुनैनानगर चंद्रपुर की एक 60 वर्षीय महिला, मालवी वार्ड वर्रा की एक 74 वर्षीय महिला, चंद्रपुर का एक 60 तथा 68 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 3 वनपीपी का एक 38 तथा एक 61 वर्षीय पुरुष, चेक बोरगांव की एक 50 वर्षीय महिला, गुरुदेव नगर धोकताला राजूरा का एक 58 वर्षीय पुरुष, पंचायत समिति नागभीड़ का एक 49 वर्षीय पुरुष, वर्षा का एक 43 वर्षीय पुरुष, वडाला पैकू चिमूर की एक 50 वर्षीय महिला, छेड़गांव तहसील चिमूर का एक 70 वर्षीय पुरुष, गांधीनगर ब्रह्मपुरी का एक 76 वर्षीय पुरुष, मेंढगी का एक 66 वर्षीय पुरुष, कुर्जा तहसील ब्रह्मपुरी की एक 60 वर्षीय महिला का समावेश है। वहीं चंद्रपुर जिले में आज बीते 24 घंटों में 1593 रुग्ण जो मिले हैं उसमें चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र के 381, चंद्रपुर तालुका के 81, बल्लारपुर के 67, भद्रावती के 72, ब्रह्मपुरी के 181, नागबीड़ के 112, सिंदेवाई के 109, मूल के 46, सावली के 21, कुम्बुंडा के 9, गोंडपिपरी के 20, राजूरा के 47, चिमूर के 217, वर्रा के 128, बरपना के 73, ज्योति के 12 तथा अन्य जगहों के 17 रुग्णों का समावेश है। चंद्रपुर जिले में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से जारी है। वहीं नागरिक इस संबंध में सावधानी बरते, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनकर अवश्य निकले। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत इस संबंध में इसकी जाँच कराए तथा जिला प्रशासन द्वारा जो भी उपाय योजना बताए जा रहे हैं उस पर अमल करें, क्योंकि यही समय की मांग है।